हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने वाले हैं सर्वाइवल अननोन बैटल रॉयल गेम। जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ इंटरफेसिस का कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और इसका म्यूजिक काफ़ी बेहतरीन है, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है। चलिए देखते हैं आगे किस तरह का इंटरफेस हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, तो इसका कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ओके, यहाँ पे इंटर करने के लिए हमें कहा जा रहा है, और यहाँ पे है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, तो हम इसको एग्री कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद से हम गेम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, रघुवीर गेमिंग हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले। तो गेमिंग, तो आप देख लीजिए हमने रघुवीर गेमिंग कर लिया है। ओके, सेव करते हैं सबसे पहले, सेव भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम इंटर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गेम कैसा है, इसके ग्राफिक कैसे है, सब कुछ देखेंगे। तो हमने यहाँ पे गेम का हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से है। ओके, गेम हमारा स्टार्ट होना, और प्लेन आप देख लीजिए। ओ भाई, यहाँ पे आपको ग्राफिक दिखाई दे रहा होगा, ग्राफिक काफ़ी बेहतरीन हमें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। ओके, प्लेन तो बढ़िया है भाई, प्लेन में ऐसा कोई है। और हम आपको बता दें कि 350 MB का गेम है, तो ग्राफिक तो हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। और मैप सिर्फ इतना ही बड़ा है जी हाँ, मैप बहुत बड़ा नहीं है, नया ही गेम है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, बहुत बड़ा गेम नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए काकरी झोपड़पट्टी, इस तरह से इसमें लोकेशन दिया गया है। ओके, तो हम यहाँ पे उतरते हैं और कुछ गन वन ढूंढते हैं, उसके बाद देखते हैं बंदे कितने मिलते हैं। तो यहाँ पे 80 बंदे अलाइव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक बार में 80 बंदे आते हैं जी हाँ। यहाँ पे ऊपर आप देख लीजिए, एक बार में 80 बंदे आते हैं और एक बंदा फिनिश भी हो गया। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे गन ढूंढते हैं, उसके बाद से हम ही बंदों को फिनिश करेंगे। मिल जाए भाई, इस पर तो कोई गन ही नहीं है। सबसे पहले हम गन को ढूंढते हैं, देखते हैं गन कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे हमें एक गन मिल गया, तो फाइनली हमें एक गन मिला है। चलिए बंदूक मारते हैं। और मैप में यहाँ पे देख लीजिए, मैप में दिखाता है कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं जी हाँ। मैप में रेड रेड डॉट दिखाता है कि बंदे कहाँ कहाँ पे हैं। जहाँ पे बंदे होंगे वहाँ पे आपको एक रेड बिंदी दिखाएगा, यहाँ पे रेड पॉइंट करेगा कि यहाँ बंदे हैं। चलिए यहाँ पे हमें सामने बंदा दिखाई दे रहा है, इसको फिनिश करते हैं और अपना पहला किल कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं, इधर ही रेड दिखाई दे रहा है मैप में, आप देख लीजिएगा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बंदा है, तो हम उसको ढूंढते हैं और फिनिश करते हैं। ओके, यहाँ सामने रहा तो हमने इसको हेडशॉट से फिनिश किया, तो हमारा पहला किल यहाँ पे हो गया है। तो फाइनली हमने एक बंदे का काम तमाम कर दिया है, और पीछे से कोई बंदा हमें मार रहा है, तो इसको भी हम मारते हैं सबसे पहले, इसकी भी लंका लगाते हैं। हमारा 2 किल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो गेम आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये फायर बटन है, उसके बाद से यहाँ पे स्कोप बटन है, और मेडिकिट भी हम इजीली यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ यहाँ पे देख लीजिए, हम जंप बटन भी है, और यहाँ पे आपको सिटिंग बटन दिया गया है, कंट्रोलर दिया गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो भी पबजी में आपको बटन्स देखने के लिए मिलता है, सिंपली आपको उसी तरह से इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो गेम काफ़ी अच्छा है, मतलब गेम हम कह नहीं सकते कि बहुत ही बुरा है, मतलब नॉर्मल है। थोड़े बहुत बग आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप किसी घर में एंटर करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल आपको इधर उधर हो जाएगा जी हाँ। आपको इतना फिनिशिंग नहीं मिलेगा जितना आपको पबजी में मिलता है या फिर BGMI में मिलता है। इसका मान लीजिए नया गेम है, तो आगे चल के इसमें कुछ अपडेट आया तो और भी यहाँ पे बेहतरीन हो जाए, लेकिन सामने बंदा है सबसे पहले, तो हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, तो हमारा 3 किल यहाँ पे हो गया है, शुरुआत में ही हमने 3 किल कर लिया। अभी भी 57 बंदे और यहाँ पे 55 बंदे लाइव। ओके, हमने यहाँ पे स्कोप लगा लिया है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब चलिए और भी बंदे को हम फिनिश करते हैं सबसे पहले। तो गेम का आपको ग्राफिक दिखाई दे रहा होगा, गेम का ग्राफिक भी ठीक ठाक हमें नज़र आ रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार है, ठीक है मतलब। और गन भी इसमें सारे आपको देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे एक कार है, तो हम इसका इस्तेमाल अभी करेंगे, सामने बंदा है सबसे पहले, तो हम इसको फिनिश करते हैं। ओके, हमने 4 किल कर लिया, और मुझे लग रहा है कि सभी बोट हैं जी हाँ, जिस तरह से फिनिश हो रहे हैं सभी बोट है, क्योंकि ये नया गेम है तो बोट ही आएंगे भाई। अभी बहुत सारे लोगों ने इसको डाउनलोड नहीं किया, आगे चल के शायद ये थोड़ा पॉपुलर हो जाए, तो अंदर घर के अंदर बंदा है सबसे पहले, तो हम इसको फिनिश करते हैं, तब इसमें बंदे आए खेलने के लिए। अभी तो ये बहुत नया गेम है, हमने इसको फिनिश कर दिया हेडशॉट के साथ। एक और बंदा यहाँ पे था, एक और हमें दिखाई दिया था, पीछे से मार रहा है। ओके, कहाँ पे है, सबसे पहले तो मेडिकिट लेते हैं भाई, नहीं तो फिनिश कर देगा हमको। यहाँ सामने बंदा है, हम यहाँ पे लुआ जाते हैं। ओके, तो हमने मेडिकिट यहाँ पे ले लिया है, देख लीजिए हम मेडिकिट पे क्लिक करेंगे तो ये इजीली मेडिकिट लेगा। यहीं पे था बंदा, किधर गया, पीछे से मारा भाई, यहाँ सामने है। ओके, इसको फिनिश करते हैं सबसे पहले।
तो इसमें आपको मोमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जी हाँ। जब हम BGMI खेलते हैं तो क्या होता है कि उसमें मोमेंट हमें बहुत ही बेहतरीन देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपको मोमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी इसमें अभी बहुत सारे अपडेट करना है, बहुत सारे बग हमें नज़र आ रहे हैं, हमें फायरिंग करने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि मोमेंट करने में भी हमें थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ गेम ठीक ठाक है। ग्राफिक अभी मान के चलिए अभी मैंने मीडियम ग्राफिक ही किया है, अल्ट्रा HD भी इसमें ग्राफिक हम कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम अल्ट्रा HD पर गेम प्ले करें तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम अल्ट्रा HD पे गेम प्ले करेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 किल कर लिया है फाइनली। ओके, अब बाहर हम चलते हैं और भी बंदों को ढूंढते हैं, देखते हैं गेम को जल्दी फिनिश करते हैं। और यहाँ पे आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, मैप बहुत बड़ा नहीं है, हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मैप है इसमें हमें 40 या 50 बंदे रखना चाहिए थे, इसने 80 बंदे कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें 80 बंदे आए होंगे, क्योंकि जितना छोटा मैप है 80 बंदे होने की वजह, अगर 80 बंदे यहाँ पे होते तो चारों तरफ हमें बंदे दिखाई देते, लेकिन अभी तक हमें चारों तरफ बंदे दिखाई नहीं दे रहे, बहुत ही कम बंदे हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, हम ढूंढते हैं और बंदे कहाँ पे हैं और उनको फिनिश करते हैं। और जैसे आप पबजी में मोमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चल रहा है या फिर रन कर रहा है पबजी से मैच कर रहा है, और ये इंडियन गेम है, तो इंडियन गेम होने की वजह से मुझे लगता है कि इसमें एक छोटा सा इंडियन मैप भी देना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि हम किसी रेगिस्तान में है, किसी दुबई वुबई का सीन है, और पूरा यहाँ पे बालू बालू दिखाई दे रहा है। सामने बंदा है, सबसे पहले इसको फिनिश करते हैं। हम देख लीजिए पूरा रेगिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें थोड़ा सा इंडियन लुक देना चाहिए था ताकि हमें ऐसा लगे कि हाँ भाई ये इंडियन गेम है। ओके, और इसका जो साउंड है हम आपको बता दें कि आवाज़ आपको इसमें हिंदी में भी सुनने के लिए मिलेंगे जी हाँ, कुछ साउंड आपको हिंदी में सुनने के लिए मिलेंगे जो कि काफ़ी बेहतरीन है, पूरा इंडियन लुक है ये मान के चलिए, साउंड आपको कुछ जगह हिंदी में सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन जो ग्राफिक है यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर रेगिस्तान दिखाई दे रहा है। यहाँ पबजी का लुक देने की कोशिश किया, इसे थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, इसके जो ग्राफिक है इसमें थोड़े और बदलाव किए जा सकते हैं, जो मोमेंट है इसमें थोड़ा और अच्छा किया जा सकता है। इस बंदे को सबसे पहले कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे हमने 8 किल कर दिया है, 22 बंदे यहाँ पे लाइव दिखाई दे रहे हैं, ऊपर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। और जितने बटन हमें पबजी में देखने के लिए मिलता है उसी तरह का बटन हमें इसमें देखने के लिए मिलता है, और इसका हम इजीली हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं सेटिंग के जरिए, लेकिन हम कस्टमाइज़ किसी और वीडियो में करेंगे, फिलहाल हम गेम प्ले करते हैं और आपको सबसे एंड में सबसे बेहतरीन चीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो हमने यहाँ पे 10 किल कर लिया है, फाइनल हमने 10 किल कर लिया 80 बंदों में से, अभी भी 17 बंदे यहाँ पे लाइव दिखाई दे रहे हैं, तो इनको भी हम फिनिश करते हैं। ओके, यहाँ ऊपर आपको मैप दिखाई दे रहा है छोटा सा, इसमें हमें दिखाता है कि बंदे किधर किधर हैं, पूरा रेड डॉट दिखाता है, तो पत्थर के पीछे बंदा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। तो सबसे पहले हम इसको फिनिश करते हैं और अपना 11 किल कंप्लीट करते हैं। ओ भाई, तो हमने इसको भी फिनिश कर लिया फाइनली। ओके, अभी भी 14 बंदे अलाइव है। इसको खेलने के लिए आपको कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझना है, जैसे आप पबजी खेलते थे सेम उसी तरह से है। अगर आप पबजी खेलते हैं तो इसमें भी आप प्रो प्लेयर हैं जी हाँ, अगर आप पबजी नहीं खेलते हैं तो इसमें भी आप नूब प्लेयर हैं जी हाँ, अगर आप पबजी खेलते हैं तो समझिए कि इसमें भी आप प्रो प्लेयर इजीली खेल सकते हैं। और इसका जो स्कोप आपको देखने के लिए मिल रहा है थोड़ा सा अलग आपको स्कोप देखने के लिए मिलेगा। और नाम तो यहाँ पे जो हमारा मैप में नाम है, जैसे आपने देखा काकरी झोपड़पट्टी इसी तरह के नाम है, जो कि काफ़ी अलग हैं जी हाँ, मैप में आपको पूरा अलग देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो हम इसको फिनिश करते हैं, ये तो हमें ही फिनिश कर देगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे 13 किल हो चुका है। ओके, कोई और बंदा हमें किल कर रहा है, तो ये रहा, इसको भी हम फिनिश करते हैं, तो हमारा यहाँ पे 14 किल हो चुका है। ओके, अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा गाड़ी लेते हैं और गाड़ी का सैर करते हैं। तो हमें कार कहीं इधर ही दिखाई दिया था, किधर है किधर है, यहाँ पे है, तो हम इसको लेते हैं सबसे पहले तो, और लेके चलते हैं, इसको चलाते हैं, देखते हैं कैसा है। और पूरा ये पिंक कलर का आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ओके, तो कार का आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, कैसा साउंड है, मतलब उतना बेहतरीन नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और ये मैप पूरा देख लीजिए। ओके, ये इंडियन गेम है, इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडियन लुक देना चाहिए था, यहाँ पे जो रेगिस्तान दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ा और हमें हरियाली दिखाई देता तो और बेहतर हो सकता था, क्योंकि ये 350 MB का गेम है,
तो इसमें और बहुत कुछ ऐड किया जा सकता था, और एक ही बंदा यहाँ पे बचा हुआ है और वो भी लगता है जोन में ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, ओके, किधर है भाई? हमारा गेम देख लीजिए, फिनिश हो गया है वो बंदा, हम ही बचे हैं यहाँ पे। विनर समोसा डिनर यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से आप इस गेम को खेल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।